नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम मिठाई बनाएंगे। इस मिठाई का नाम है मिल्क केक। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्क केक बनाने के लिए यहाँ हमने 2 लीटर दूध लिया है, 200 ग्राम शक्कर ली है, 1 नींबू का रस लिया है। सबसे पहले हम दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसे मैंने हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रखा है। दूध को बॉईल करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये ऊपर से तो बॉईल होता रहेगा लेकिन नीचे से ये कढ़ाई को लग सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बॉईल करते वक्त लगातार चलाते रहिए। देखिए हमारा दूध कितना बॉईल हो गया है। अब ये बॉईल होके गाढ़ा भी हो गया है। हमने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया था और हमें इसे इतना बॉईल करना है कि ये 1 लीटर हो जाए या फिर आधा लीटर हो जाए। ये देखिए, दूध अच्छे से अभी बॉईल हो गया है। इसे बनाने के लिए पेशेंस लगता है, बहुत देर लगती है। मैंने इसे कम से कम 1 घंटा बॉईल किया है, तो आपको भी इसे 1 या 1.5 घंटा तक तो भी बॉईल करना पड़ सकता है। तो इसलिए पेशेंस रखिए और बाद में बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है ये। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है और इसे एक ही बार ऐसे हिला लेना है और उसके बाद 1 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। ये देखिए, नींबू का रस डालते ही इसमें दाने बनना शुरू हो गया है। नींबू का रस डालते ही दूध थोड़ा सा फटने लगता है और हमें इसी तरह से दूध चाहिए। इसे और थोड़ी देर बॉईल करते रहिए। इसके बाद इसमें चीनी डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीनी ली थी लेकिन मैंने इसमें 100 ग्राम चीनी ही डाली है क्योंकि ये बहुत मीठा हो जाता है और दूध बॉईल होने के बाद भी थोड़ा सा मीठा लगने लगता है। इसलिए आप भी यहाँ पे 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करें या फिर स्वादानुसार चीनी डालें। इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है और मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है तो ये थोड़ा सा पतला हो गया है और ये अभी मिठाई के लिए तैयार है। थोड़ा सा हम इसे और गर्म करेंगे। कटोरी में निकालने के लिए सबसे पहले हम कटोरी में को थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी लगाने से ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए, इसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है। इसे इस तरह से दबा के सेट कर लेना है, अच्छे से प्लेन कर लेना है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हमने 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखा था। अब हम इसे इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे कट करना है। कैसे भी कट कर सकते हैं आप, चाहे तो बड़े बड़े पीस में भी कट कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे जिससे कि ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हमारी ये जन्माष्टमी स्पेशल मिल्क केक मिठाई बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।